नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में आधे घंटे की बारिश ने खोल दी स्मार्ट सिटी की पोल। नगर आयुक्त के निर्देश पर गिरे पेड़ को हटाने निकले कर्मी। नवगछा पहुंचे डीआईजी ने लंबित कांडों की समीक्षा। अधिकारियों को दिया आवश्यक निर्देश। बिहार में आर्थिक तंगी से परेशान महिला ने चार बच्चों के साथ खाई जहर। तीन की हुई मौत। जांच में जुटी पुलिस। तेज आंधी बारिश के कारण हुई तबाही की चपेट में आने से इंजीनियर की मौत। पूर्व निर्माण कार्य के दौरान हुआ हादसा। और सैंडिस कंपाउंड में होगा भागलपुर क्रिकेट लीग T20 का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के कई हिस्सों में गुरुवार को अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ गया। करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली, फिर कुछ देर बाद कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई और कई जगहों पर ओले भी गिरे। बारिश में गर्जन और हवा की तेज रफ्तार की वजह से बिहार के अलग अलग हिस्सों में करीब 2 दर्जन लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। कई जगह पेड़ भी उखड़ गए जिससे यातायात बाधित हो गया। बारिश और तेज हवा के झोंके से जहाँ लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली, तो वहीं सड़क पर पेड़ और बिजली के तार गिरने से यातायात बाधित रहा। इधर भागलपुर स्मार्ट सिटी में तेज हवा के बीच हुई आधे घंटे की झमाझम बारिश ने नगर निगम प्रशासन की ओर से जल निकासी के लिए की गई बरसात पूर्व तैयारियों की पोल खोल कर रख दी। बारिश के बाद शहर के अधिकांश इलाके जल जमाव की चपेट में आ गए। सड़कें पानी में डूब गई। वहीं नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर के निर्देश पर स्वास्थ्य शाखा प्रभारी जयप्रकाश यादव अपनी टीम के साथ देर रात तक शहर की सफाई कराते नजर आए। उन्होंने बताया, नगर आयुक्त ने शहर के सभी मार्ग पर गिरे पेड़ को अतिशीघ्र हटाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद हम लोगों ने जेसीबी ट्रैक्टर हाइवा और मजदूर की सहायता से स्वामी विवेकानंद पथ, महात्मा गांधी रोड, कचहरी रोड, तिलकामांझी, शीतला स्थान चौक समेत कई मार्गों पर गिरे पेड़ को हटा दिया गया। जयप्रकाश यादव ने बताया कि भोलानाथ पुल, बौसी पुल और डिक्शन मोड़ के समीप से मोटर लगाकर जल जमाव की समस्या दूर की गई। हालांकि बारिश के कारण शहरवासियों को परेशानी का सामना तो जरूर करना पड़ा, लेकिन धूल और धूप से राहत भी मिली। भागलपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी विवेकानंद शुक्रवार को नवगछिया पहुंचे, जहां न्यू पुलिस लाइन में डीआईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज, एसडीपीओ दिलीप कुमार, मुख्यालय डीएसपी सुनील पांडे सहित नवगछिया पुलिस जिला के दोनों सर्किल इंस्पेक्टर एवं सभी थाना अध्यक्ष के साथ कांड के उद्भेदन, लंबित मामलों का निष्पादन, फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी, शराबबंदी को सख्ती से लागू कराने और विक्रमशिला पुल पहुंच पथ पर जाम को लेकर समीक्षा बैठक की गई। साथ ही कई आवश्यक निर्देश दिए गए। जो है मुख्यालय से प्राप्त हो चुका है और संभवतः 1 से 2 दिन में वह आ भी जाएगा। इसके अतिरिक्त जो व्यवस्था लागू की गई है, इसमें कमिश्नर साहब का भी बड़ा सहयोग रहा है और इसके अतिरिक्त जिला पदाधिकारी भागलपुर ने भी काफ़ी रुचि ली है। सीनियर एसपी भागलपुर ने भी रुचि लिया है। सभी मिलकर काम कर रहे हैं और एक तो नो ओवरटेक जोन है, इसको घोषित करने के बाद उसको निरंतर अनुश्रवण किया जा रहा है और जो भी वाहन ओवरटेक कर रहे हैं उस पर फाइन की व्यवस्था निरंतर लागू है। इसके अतिरिक्त जो भी संसाधन जरूरत है उसके अनुसार उपलब्ध कराया गया। वैशाली के पातेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुक्की गांव में आर्थिक तंगी से परेशान एक महिला ने पारिवारिक विवाद में अपने 4 बच्चों के साथ जहर खा लिया, जिसमें महिला समेत 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे की हालत चिंताजनक बनी हुई है। फिलहाल बच्चे का इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सुक्की गांव निवासी रंजीत सहनी की पत्नी 35 वर्षीय रिंकू देवी ने आपसी विवाद को लेकर अपने 4 बच्चों के साथ अनाज में डालने वाले कीटनाशक सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना में रंजीत सहनी की पत्नी रिंकू देवी के अलावा 11 वर्षीय पुत्र करण कुमार, 8 वर्षीय पुत्री शिवानी कुमारी और 4 वर्षीय पुत्री सलोनी कुमारी की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची 2 वर्षीय संध्या कुमारी की हालत भी डॉक्टरों द्वारा चिंताजनक बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पातेपुर थाने की पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे पुलिस बल की मदद
अदालत से हटाया गया। साथ ही कहा कि परिजनों और आसपास के लोगों से बात कर आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अनुसंधान कर जल्द ही घटना के सही कारणों का खुलासा कर दिया जाएगा। गुरुवार की शाम आई तेज आंधी और बारिश के कारण हुई तबाही की चपेट में आने से सुल्तानगंज अगुवानी पुल निर्माण कार्य में जुड़े एक इंजीनियर नीलेश कुमार की मौत हो गई। दरअसल भागलपुर सुल्तानगंज अगुवानी पुल निर्माण कार्य के दौरान अचानक आए चक्रवाती तूफान के कारण पुल के ऊपर से लोहे का सामान और पत्थर गिरने से 30 वर्षीय नीलेश कुमार उसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसके बाद कर्मियों द्वारा उन्हें इलाज के लिए आनन फानन में रेफर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने नीलेश की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान गुरुवार की रात नीलेश कुमार की मौत हो गई। मृतक की पहचान खगड़िया के प्रवक्ता कवेला निवासी हरिशंकर प्रसाद के 30 वर्षीय पुत्र नीलेश कुमार के रूप में हुई है। इधर घटना को लेकर पुलिस प्रशासन मामले की छानबीन में जुट गई है। बता दें कि नीलेश कुमार पुल निर्माण के संवेदक कंपनी SP सिंगला के इंजीनियर थे, जो गुरुवार की शाम गंगा पुल के पाया नंबर 9 में कार्य कर रहे थे और शाम को अचानक आंधी तूफान के बाद वह पुल से उतरने लगे, लेकिन आंधी के थपेड़ों से उन्होंने अपना संतुलन खो दिया और गिरने के दौरान सिर के पीछे लोहे के एंगल से चोट लग गई, जिससे उसका सिर फट गया। शासन के थ्रू जो इनका लिखना था, कैसे हुआ क्या हुआ, ये अपना लेन देन के चक्कर में अभी तक वो लिखने के लिए नहीं था। उसके पत्नी को बुलाइए, उसको ये बुलाइए, जो कि वो सही ढंग से बोल भी नहीं रहा कि हमको इतना पैसा चाहिए और न ही कुछ लिख रहा था। दिन के 2 बज रहे हैं, सुबह से रात के 8 बजे से हम लोग पूरे, ये इन्हीं के परिवार है, ये महिला है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन ये प्रशासन जो है बिल्कुल घूस के चक्कर में, ना ही तो खुल के बोल रहे हैं और ना ही तो कुछ लिख रहे हैं। जिला क्रिकेट संघ की ओर से भागलपुर क्रिकेट लीग T20 टूर्नामेंट का आयोजन सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम में किया जाएगा। इसको लेकर समाजसेवी विजय कुमार यादव ने शुक्रवार को सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस टूर्नामेंट से संबंधित जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय कुमार यादव ने बताया कि टूर्नामेंट 23 मई से शुरू होगा, जिसमें 20 मैच खेले जाएंगे और इस टूर्नामेंट में भागलपुर जिले के ही खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में BDCA के सचिव आनंद मिश्रा, संयुक्त सचिव सुबीर मुखर्जी उर्फ मामू, कोषाध्यक्ष डॉक्टर जयशंकर ठाकुर, संयोजक मोहम्मद फारूक आसम, मोहम्मद हसन खान, नीलकमल राय समेत कई लोग मौजूद रहे। भागलपुर प्रीमियर लीग ये क्रिकेट टूर्नामेंट का आज जो है हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये शायद कुछ दिन पहले यहाँ के आयोजक वगैरह जो इनको किया गया था, लेकिन कोरोना की वजह से ये नहीं हो पाया और ये भागलपुर में पहली बार हो रहा है। लेदर बॉल से खेला जाएगा ये क्रिकेट। 5 टीम जो है हमारी भागलपुर से ही चिन्हित होंगे, लगभग भागलपुर से 200 प्लेयर का रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के अनुसार उसमें 75 प्लेयर, एक टीम में 15 खिलाड़ी रहेंगे, तो 5 टीम में 75 जो है 75 प्लेयर का जो है इसमें ऑप्शन होगा। और ऑप्शन आगामी 23 तारीख को, यानी कि 2022 को ये इसका ऑप्शन होने वाला है और ऑप्शन में हमारे 200 प्लेयर भाग लेंगे और 200 प्लेयर में से चयनित होगा। उसका कुछ एक लिमिट रखा गया, किसी लिमिट के अनुसार उसका चयनित होगा। चयन में 70 खिलाड़ी हम लोग चयनित करेंगे, उसके अनुसार जो है पाँचों टीम, प्रत्येक टीम 4-4 मैच खेलेगी और ये आने वाला समय आप लोग को बता दिया जाएगा कब से ये मैच स्टार्ट होगा। मैच स्टार्ट के बाद ये लगातार जो है मैच चलेगा। भागलपुर में ये एक अलग तरह का मैच है और पहली बार इस तरह का मैच है। खिलाड़ियों के नियमित अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। इस क्रम में विजय कुमार यादव जी जो सामाजिक गतिविधियों में, सामाजिक कार्यों में गहरी अभिरुचि रखते हैं, के द्वारा एक अनुरोध किया गया कि जो हम लोग एक भागलपुर प्रीमियर लीग कराना चाहते हैं और हम इसमें प्रायोजक के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे, जिसको कि भागलपुर क्रिकेट एसोसिएशन ने स्वीकार किया और इनके प्रायोजनशिप में और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में यह जो प्रीमियर लीग है या बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से भी रजिस्टर्ड है और इसमें हम लोगों ने 5 अपने भागलपुर के ही स्थानीय लड़कों को रखा है, जो हमारे प्लेयर हैं नए पुराने। वो 200 लड़कों का रजिस्ट्रेशन हम लोग कराएंगे और उनके बीच से ही ये 5 टीम बनाए जाएंगे। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फॉरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क TV। आप
आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस जिला नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने नवगछिया सर्किल अंतर्गत सभी थाने के थानाध्यक्षों के साथ नवगछिया थाने में बैठक की। बैठक में एसपी ने थानाध्यक्षों को तमाम लंबित कांडों का निष्पादन करने के साथ इलाके में अपराधियों और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने का स्पष्ट निर्देश दिया। एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं बैठक को लेकर एसपी ने कहा कि इस्माइलपुर थाने को छोड़कर नवगछिया सर्किल अंतर्गत सभी थाने के लंबित मामलों की समीक्षा की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी थाना अध्यक्षों, अनुसंधानकर्ताओं और सर्किल इंस्पेक्टर को मई माह में हुई रिपोर्ट के अधिकतर मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि जो भी टारगेट दिया गया है उसे पूरा कर लेने पर ज्यादातर मामलों का निष्पादन हो जाएगा, जो पुलिस के लिए उपलब्धि भी होगी। मौके पर नवगछिया पुलिस के सभी वरीय पदाधिकारी और सभी थाना के थानाध्यक्ष मौजूद रहे। देखिए, लंबित कांड का समीक्षा किया गया। ये नवगछिया अंचल का सभी थाने थे, इस्माइलपुर को छोड़ करके सभी का जो है वो समीक्षा किया गया और टारगेट दिया गया थाना प्रभारी को, आईओ को और इंस्पेक्टर सर्किल नवगछिया को दिया कि इस मई महीने में जो कटने योग्य केस है वो हर हाल में काटना पड़ेगा। इसका संधान लगभग पूर्ण हो चुका है, दैन के अद्यतन नहीं है। दैन के अद्यतन करना कराना SHO और CI की जवाबदेही है और टाइम पे SDPO अपना फाइनल PR निकालें ताकि टाइम पे हमारा ऑफिस से ऑर्डर भी निकल जाएगा। एंड हर हाल में जो टारगेट दिया है मई में कटने का केस वो कटेगा। कुछ केस ऐसा भी है जो एक्स्ट्रा भी वो जैसे मेहनत करेंगे तो कुछ केस कट सकता है, लेकिन वो हर हाल में जून में केस कटेगा, यानी कि अगले मंथ का भी टारगेट दिया गया। सुल्तानगंज प्रखंड के करहरिया पंचायत के वार्ड संख्या 2 में आग लगने से 4 घर जल कर राख हो गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें घर में रखा नगद रुपये और जरूरी सामानों के साथ 3 बकरी, मुर्गी, अनाज और महत्वपूर्ण कागजात जल कर खाक हो गए। वहीं इस आगजनी की घटना को लेकर पीड़ित दिनेश कुमार, दिलीप कुमार, अखिलेश कुमार और स्वर्गीय विनोद कुमार के परिजनों ने कहा कि आग अचानक लगी, जिससे पूरे गाँव में अफरा तफरी मच गई। तेज लपटों में उनके घर के साथ सभी सामान समेत लाखों की क्षति हुई है। ग्रामीणों ने कहा कि आसपास में कोई जल स्रोत नहीं रहने के कारण आग पर काबू पाने में मशक्कत करनी पड़ी, जबकि आग लगने की सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू कर लिया। हालांकि तब तक 4 घर आग से तबाह हो चुके थे। वहीं मौके पर पहुंचे मुखिया प्रतिनिधि मंटू कुमार ने इसकी सूचना CO और BDO को फोन पर दी, जबकि तत्काल मुखिया प्रतिनिधि ने पीड़ित परिवारों को 2,000 की सहायता राशि देते हुए नुकसान का आकलन के बाद सरकार की ओर से चारों परिवार को मुआवजा राशि दिलाने का भरोसा भी दिया। नुकसान तो कुछ चीज न बचे, कपड़ा लत्ता सब जर गए, सारा सामान जर गए, 2 बकरी जर गए, कुछ न बचलो छे। किसका किसका घर जला? विनोद के जरा, उसको 2 बच्चा है, एक सोनू एक रीना, और वो फिर अखिलेश को जरा, 6 परिवार है, दिलीप के है, दिलीप को 2 बकरी जर गए। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत नया गांव पंचायत बाथ गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कथा व्यास किशोरी जी ने भक्त विदुर जी की कथा का वाचन किया। भागवत कथा प्रवचन के दौरान किशोरी ने कहा कि भगवान को जीवों से मात्र प्रेम भाव चाहिए और भगवान केवल भाव के भूखे हैं। उन्होंने कहा कि भाव के बस में आकर ही भगवान ने सबरी के झूठे बेर तक खा लिए, जबकि विदुरानी के हाथ से केले के छिलके को निशंक
संकोच खाकर तृप्त हो गए। भगवान को कोई वस्तु नहीं चाहिए बल्कि भाव और भक्ति से रिझाया जा सकता है। इसके अलावा कथा व्यास किशोरी जी ने शिव सती चरित्र शिव पार्वती विवाह की कथा सुनाई, जिसे सुनकर श्रोता बड़े आनंदित हुए। साथ ही ध्रुव चरित का व्याख्यान करते हुए कहा कि भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि ध्रुव जी को मात्र 6 वर्ष की उम्र में भगवत की प्राप्ति हो गई थी। मौके पर काफी संख्या में भागवत प्रेमी श्रोता एवं आयोजन समिति के सदस्य मौजूद थे। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में आधे घंटे के बारिश ने खोल दी स्मार्ट सिटी की पोल, नगर आयुक्त के निर्देश पर गिरे पेड़ को हटाने निकले कर्मी। नवगछिया पहुंचे DIG ने लंबित कांडों की समीक्षा, अधिकारियों को दिया आवश्यक निर्देश। बिहार में आर्थिक तंगी से परेशान महिला ने 4 बच्चों के साथ खाई जहर, 3 की हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। तेज आंधी बारिश के कारण हुई तबाही की चपेट में आने से इंजीनियर की मौत, पूर्व निर्माण कार्य के दौरान हुआ हादसा। और सैनिस कंपाउंड में होगा भागलपुर क्रिकेट लीग T20 का आयोजन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।